हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो केमिकल रिएक्शंस क्या होता है? केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस होता है, जिसमें न्यू सब्सटेंस एंड न्यू प्रॉपर्टीज बनते हैं। ठीक है, जैसे कि ए प्लस बी इक्वल टू ए बी, ये दोनों को हम लोग बोलते हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड में जो रहते हैं उनको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट्स। मतलब जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं, मतलब पार्टिसिपेट करते हैं, उसको हम लोग बोलेंगे रिएक्टेंट्स। और प्रोडक्ट किसको बोलेंगे? जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा एज अ रिजल्ट, किसके दौरान? केमिकल रिएक्शन के दौरान जो न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होगा उसको बोलेंगे हम लोग प्रोडक्ट। तो हम लोग नेक्स्ट पेज में चलते हैं। अब है यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया गया है, मैग्नीशियम एज अ रिबन इसको लिया गया है, ऑक्सीजन को फ्रॉम एयर लिया गया है। ठीक है, अब ये है हीट, मतलब कि इसको हीट दे रहे हैं, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो वाइट पाउडर के रूप में निकला। अब ये एक्सपेरिमेंट किया गया है, ये कैंडल है जो बर्न कर रहा है किसको, ये मैग्नीशियम रिबन है, ये पिंक वाला जो आपको दिख रहा होगा, और ये है कैंडल, और ये है पेयर ऑफ स्ट्रॉन्ग्स, मतलब जिससे मैग्नीशियम रिबन को पकड़ा गया है। तो ये बर्निंग हो रहा है, अगर आपको समझ में आया तो अपने थम्स को ऐसे करें। इसके बाद नेक्स्ट पेज, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? पहला है इवोल्यूशन ऑफ गैस। क्या होता है? जब जिंक ग्रेनुअल्स, मतलब ऐसे कोई रिएक्शंस जिसमें गैस मतलब कि निकलते हैं, जैसे कोई रिएक्शन जैसे कि जिंक ग्रेनुअल्स एक एग्जांपल है, जिंक ग्रेनुअल्स जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तब वो क्या बनाता है? हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है, मतलब निकालता है। इसके बाद और एक एग्जांपल है, सोडियम कार्बोनेट जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। ये एग्जांपल आपको याद होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन। पोटेशियम आयोडाइड को जब हम लोग रिएक्ट करवाएंगे लेड नाइट्रेट के साथ तो हम लोग को बनेगा येल्लो प्रेसिपिटेशन। क्या बनेगा? येल्लो प्रेसिपिटेशन। PbNO32 मतलब कि हो जाता है लेड नाइट्रेट, और PbI2 मतलब हो जाता है पोटेशियम आयोडाइड, जो बनता है क्या? येल्लो प्रेसिपिटेशन। नेक्स्ट पेज। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे चेंज इन कलर, मतलब कि सिट्रिक एसिड के साथ, ये एक और एक एग्जांपल है इसका, चेंज इन कलर का। सिट्रिक एसिड के साथ जब हम लोग रिएक्ट करवाएंगे पोटेशियम परमैंगनेट, तब ये जो पोटेशियम परमैंगनेट है ये पर्पल कलर का रहेगा। ठीक है, पर जब ये रिएक्शन होगा तो ये डिसअपीयर्स हो जाएगा, मतलब कलरलेस हो जाएगा। कौन? पोटेशियम परमैंगनेट। इसके बाद है चेंज इन टेम्परेचर। क्या होता है? जब क्विक लाइम को हम लोग रिएक्ट करवाते हैं वाटर के साथ तो बनता क्या है? स्लैग लाइम तो बन जाता है, पर बहुत हीट भी उससे प्रोड्यूस्ड होता है। ठीक है, चेंज इन स्टेट। अब स्टेट चेंज होगा, जैसे कि वैक्स सोचिए, ये एक कैंडल है, ये कैंडल जल रहा है, इससे क्या होता है? हम लोग अगर गौर से देखें तो इससे वाटर निकलता है। क्या निकलता है? वाटर, और गैस के रूप में तो CO2 निकल ही रहा है। तो ये जो कैंडल जो सॉलिड था ये बना क्या? वाटर मतलब कि लिक्विड, और कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कि गैस। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पेज, केमिकल इक्वेशन। क्या होता है? मेथड होता है। ये देखिए मेथड है, क्या रिप्रेजेंट करने का? केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का। ये जो केमिकल रिएक्शन है इसमें सिंबल्स और फॉर्मूला के द्वारा हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कुछ। ठीक है, तो जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है, बन क्या रहा है? वो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस अलग से निकल जा रहा है। इसी का जो फॉर्मूला से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं उसको, केमिकल फॉर्मूला से और जो एलिमेंट्स का सिंबल से, ये है ZN, जो एक एलिमेंट है और इसका सिंबल है क्या? ZN H2SO4, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड का ये है, सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड को बोलते हैं H2SO4, ये इसका फॉर्मूला हो गया, ये इसका क्या हो गया? सिंबल। इसके हेल्प से हम लोग क्या लिख रहे हैं? केमिकल इक्वेशन लिख रहे हैं। इधर वाले जो होते हैं वो रिएक्टेंट्स होते हैं, और इधर वाले जो होते हैं वो प्रोडक्ट होते हैं, मतलब राइट हैंड साइड वाले प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, बना क्या? ZnSO4 प्लस H2। इसके बाद केमिकल रिएक्शंस जनरली टू टाइप्स के होते हैं, एक बैलेंस्ड इक्वेशन, एक है अनबैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, अब हम लोग बैलेंस करते ही क्यों है, बैलेंस मतलब पहले जानते हैं उसके बाद। तो बैलेंस इक्वेशन क्या होता है?
बैलेंस्ड इक्वेशन हैज एन इक्वल नंबर ऑफ एटॉम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, मतलब यहाँ पे जो डिफरेंट एलिमेंट रहेंगे उसका रिएक्टेंट्स में जितना मास रहेगा टोटल, और ये में भी प्रोडक्ट में भी उतना ही मास रहेगा, जैसे एक एक एलिमेंट का, जैसे R मतलब की होता है रिएक्टेंट्स, P मतलब प्रोडक्ट, ठीक है। Zn R के साइड में कितना है, एक दिख रहा है आपको, तो एक इधर मतलब कि प्रोडक्ट के साइड में भी एक। अब H जो है मतलब H यहाँ पे कितना है, टू, तो टू लिख दिए। यहाँ पे H2 कितना है, टू, सेम है। S यहाँ पे कितना है, एक, तो एक। यहाँ पे भी S कितना है, एक। अब रिएक्टेंट्स के साइड में O कितना है, फोर, इधर में भी क्या है, फोर है। तो ये जो रिएक्शन है ये बैलेंस्ड है, क्यों, हर एक एलिमेंट जो है वो सेम सेम है, मतलब कि रिएक्टेंट्स में भी जितना मास है प्रोडक्ट में भी उतना ही मास है, ठीक है। इसके बाद ये हो जाता है बैलेंस्ड इक्वेशन। अब ये है अनबैलेंस्ड इक्वेशन, मतलब जिसका रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट में मास सेम नहीं है, जैसे कि H2O2, H यहाँ पे दो है, यहाँ पे भी H दो है, O यहाँ पे दो है, पर O प्रोडक्ट में दो नहीं है, ये हो जाता है डिफॉल्ट। तो अनबैलेंस्ड इक्वेशन होता है जनरली, बैलेंस्ड इक्वेशन भी होता है। तो बैलेंस करते क्यों है, अनबैलेंस इक्वेशन इसको जो है बैलेंस किया जाता है, कैसे करके बैलेंस किया जाता है, यहाँ पे टू का कमी है तो हम लोग लगा देंगे यहाँ पे टू, ठीक है। इसके बाद एच भी कितना हो गया, दो और दो चार, तो यहाँ पे भी हम लोग को चार करना ही पड़ेगा। अनबैलेंस इक्वेशन को बैलेंस इक्वेशन में क्यों चेंज किए, क्योंकि हम लोग एक लॉ पढ़े हैं, क्या लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये क्या कहता है, ये ए लवोइजियर के द्वारा दिया गया था, ठीक है। ए लवोइजियर जी ने कहा था कि जो मास होगा रिएक्टेंट्स का वो इक्वल होना चाहिए किसका, प्रोडक्ट का मास से, रिएक्टेंट्स का मास प्रोडक्ट का मास से इक्वल होना चाहिए, ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो इनका ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को टैली करने के लिए हम लोग अनबैलेंस्ड इक्वेशन को भी बैलेंस करते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो, ओके बाय।